लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कुम्हारी दर्री सरपंच सचिव के खिलाफ उप सरपंच, पंच व ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, कलेक्टर से की शिकायत। जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत कुम्हारी दर्री के सरपंच सचिवों के खिलाफ पंचों ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को कुम्हारी दर्री के पंचों व ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरपंच सचिव की शिकायत की है। कोरबा कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया गया है कि सरपंच इंद्रपाल सिंह व सचिव अपनी मनमानी करते हैं, कार्यों में पंचों के सहमति बिना प्रस्ताव पास करके मनमाने तरीके से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं व शासकीय राशि का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही गांव के गोठान में चल रहे कार्यों में सरपंच सचिव द्वारा फर्जी बिल पेश करके राशि निकाली जा रही है, अन्य विकास कार्यों के लिए पंचायत फंड में पैसे नहीं है करके बातों को टाल दिया जाता है। पंचों व ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि राशन दुकान में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, गरीबों को राशन न देकर अवैध रूप से राशन की बिक्री करते संचालन को पकड़ा जा चुका है, जिस पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। क्लिपर 28 के लिए कोरबा से रितेश गुप्ता की रिपोर्ट। द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिला कलेक्टर, हाँ, वो किस संबंध में है ज्ञापन? यह इस संबंध में है कि हमको इतना दिन हो गए हैं पंच बने से, आज तक हमको कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है। मनमानी ढंग का सरपंच सचिव ये सब पैसा को, शासकीय पैसा को हेरी फेरी कर रहे हैं। और क्या तो क्या चाहते हैं आप शासन से? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम लोग सब पंच से सहमति लें और हमको सब कुछ को बताएं, हिसाब भी दें, यही चाहते हैं। किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, सचिव को, सरपंच को, इसके लिए? अब हम तो दोनों को मान रहे हैं। बताइए, नाम बताइए आपका। मेरा नाम है बिशंभर सिंह श्याम है, मैं वार्ड क्रमांक 20 का हूँ, पंच। ये ग्राम पंचायत कौन सा है? ये कुम्हारी दर्री है। कुम्हारी दर्री में कितने वार्ड है टोटल? कुम्हारी दर्री में 20 वार्ड है। अच्छा, आप लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है? हाँ, दिया गया है। किसको दिया गया है ज्ञापन? कलेक्टर को। किस संबंध में ज्ञापन था वो? हम इस संबंध में दिए हैं कि आज तक सरपंच सचिव हमको मनमानी ढंग का अपना कर रहे हैं, अभी तक हमको कुछ पता नहीं है। हम पंच बने हुए हमको 8वां महीना हो गया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मतलब जितना भी यहाँ कार्य चल रहा है ना, आपको कोई नहीं है पता, जो गौठान में फर्जी साइन करवा के चाहे जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन पैसा निकाल रहे हैं वहाँ का, अभी तक हमको किसी पंच को पता नहीं है। मतलब कितने वार्ड पंचों को इस बात की जानकारी नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कार्य हो रहा है? हम 13 जन का साइन है इसमें, उप सरपंच द्वारा हम लोग निवेदन दिए हैं, बाकी जन को तो पता नहीं है कि उसको है पता कि नहीं है, हमको बताते नहीं हो। मतलब सभी पंच जितने भी 13 वार्ड के पंच है, ना उनको प्रस्ताव की जानकारी होती ना राशि? नहीं, नहीं, किसी को नहीं, राशि को पता नहीं है उनको। तो आप लोगों को ज्ञापन जो दिए हैं, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि उनको कार्रवाई होना चाहिए, छानबीन होना चाहिए। और जो चावल के संबंध में बताइए, चावल का क्या? चावल का संबंध यही है कि जो राशन दुकान का जो संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ये राम कुमार पोया है, लेकिन अभी तक हमको ये सब बताया भी नहीं है कि हमारे पंचायत में हुआ है करके, लेकिन अभी पता नहीं कैसे कौन बेच से उसको बेच। जो ज्ञापन दिया गया है उसके संबंध में जानकारी दीजिए। विज्ञापन हम दिए हैं वो सरपंच और सचिव मनमानी तौर से जाके अपना रोकड़ा निकाल रहे हैं, पंचनामा करवा के अपने साइन फर्जी फाइन बना के पैसा, मतलब जिला कलेक्टर को दिया गया है ज्ञापन? दिया गया है जी। क्या क्या कार्रवाई, क्या है आपकी मांग, क्या है पंचों, सभी पंचों की मांग क्या है? मांग है सर कि सबके कोई भी जगह काम चल रहा है उसमें हमारा भी सहमति चाहिए। तो आपके आपको सहमति नहीं लेते हैं या फिर आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं सचिव और सरपंच के खिलाफ? कार्रवाई करवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं जी? उनका हमारे कहने के अनुसार के बारे की जाँच हो और उनके खिलाफ में जो भी है वो सब पंचों को मिलना चाहिए। बताइए, नाम बताइए आपका। मेरा नाम कुमार सिंह मराबी, ग्राम पंचायत कुम्हारी दर्री, आश्रित ग्राम अमली बाहरा के, मैं झोंको पारा मोहल्ला 19 वार्ड के पंच हूँ। यहाँ टोटल कितने वार्ड है कुम्हारी दर्री? 20 वार्ड है जी। बताइए, आप लोगों के द्वारा एक वो दिया गया है ना, ज्ञापन दिया गया है जी, किस संबंध में था ज्ञापन? विज्ञापन है, पहले तो है हमारा पंच लोगों को प्रस्ताव नहीं किया जाता है, जो भी काम करते हैं पास करते हैं उसको उप सरपंच को भी नहीं लेते हैं, ना तो पंचों के पूछते हैं, फर्जी साइन मार के पास करवाते हैं। और दूसरा है कि सोसाइटी वाला चावल बिक्री किया गया तो उसमें उप सरपंच, पूर्व उप सरपंच रहा राम कुमार पोया, तो इसी के द्वारा बता रहे हैं 16 रुपये किलो चावल एक पिकअप बेचा गया है।
इसी बारे में भी ज्ञापन। उसमें कार्रवाई हुई चावल वाले में अभी नहीं तक? नहीं हुआ सर, वो कार्रवाई किए हैं लेकिन हो नहीं रहा है। तो ये जो आप बताए फर्जी पास किया जाता है, काम पास किया जाता है और है ना बिल निकाला जाता है जी, तो कौन किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? उसको सरपंच सचिव को हम मानते हैं। तो आप लोग ज्ञापन जो दिए हैं क्या कार्रवाई चाहते हैं शासन से? उनके लिए हमारा कहने का अनुसार तो पूरा पंच उप सरपंच के द्वारा यहाँ पूरा इंक्वायरी होना चाहिए, उनको कार्रवाई किया जाए। और गौठान के बारे में बताइए, गौठान में क्या समस्या है? गौठान का भी वही है सर, वहाँ काम किया तो जा रहा है लेकिन कैसे कैसे कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है, हमको कोई किसी को बताते नहीं। मतलब ना आपका कहना है ना आपको किसी, मतलब ग्राम पंचायत से जितने भी प्रस्ताव है ना प्रस्ताव की जानकारी है, जितने भी पंचों को, कितने पंचों को मतलब इस बात की जानकारी नहीं? वो 13 पंचों को सर, 13 पंच इसमें हम जो दिए हैं वहाँ बना के एप्लीकेशन, उसमें 13 पंच का साइन है, तो 13 पंचों को किसी को नहीं है जानकारी। और बाकी जो 7 पंच उनको जानकारी है? उनको पता नहीं सर, जानकारी होगा तभी तो नहीं किए हैं। ना आपको प्रस्ताव की जानकारी होती है जितने भी 13 पंचों को, और ना राशि की जानकारी होती है कितना राशि कारण किया जा रहा क्या किया जा रहा? नहीं है ना किसी को जानकारी। तो आप यही चाहते हो कि चावल उसमें जो भी हाँ उनको सबका इंक्वायरी किया जाए, कार्रवाई किया जाए। हाँ तो हमारे गांव में जो सरपंच सचिव हैं इन लोग मनमानी तौर से अपना काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 12 शौचालय अभी तक से नहीं बन पाया है, उसका ODF भी हो गया, और आने जाने के लिए हमारे मोहल्ला में पुल 6 मतलब बनना था, आज तक नहीं बना। और बार बार मतलब हम लोग ग्राम सभा निवेदन किए, आवेदन किए, सरकार को दिए, पता नहीं है सरकार कैसा है साला, आज तक हमारा सरपंच का क्या नाम सुनवाई नहीं हो रहा सरपंच है। सरपंच का नाम बताइए आपके ग्राम पंचायत। सरपंच का नाम अभी श्रीमान इंद्रपाल। और सचिव का नाम क्या है? रज्जू है, राजेंद्र। और अभी बीच में एक नया मामला को सुनने को मिला, क्या है बताइए उसके बारे में? अभी नया मामला, अब हम तो दूर में रहते हैं लेकिन सुनने को मिला है हमको कि हमारे मतलब सोसाइटी भवन से चावल पकड़ाया है, बेचे हैं कोई व्यक्ति ने, तो उसको देखे हम लोग मतलब पेपर में। प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत कुम्हारी दर्री। बताइए क्या समस्या है? समस्या है सर हमारे यहाँ बहुत, ये समस्या है कि कोई भी विकास करते हैं कोई सचिव को नहीं पूछते हैं, सरपंच अपने मन के मनमानी काम कर रहे हैं, सचिव नहीं पूछता है ना सरपंच पूछता है, और कोई पंच से सलाह भी नहीं लेते हैं, अनुमति भी नहीं लेते हैं। मनमानी काम कौन करता है, सरपंच और सचिव? सरपंच करता है, सचिव करता है। अच्छा, पंचों से जानकारी नहीं लेते? हाँ नहीं लेते हैं। ग्रामीणों को? हाँ किसी को नहीं लेते हैं, कोई मालूम नहीं है। कब से चल रहा है ये? 2 हो गया जी। नाम बताइए, नाम क्या आपका? श्रीमती भगवती देवी। ये ग्राम पंचायत कौन सा? ग्राम पंचायत कुम्हारी दरी। अच्छा, पंच है यहाँ के? हाँ पंच जी। आप लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जी। ये कलेक्टर महोदय को है ना जी। किस संबंध में है वो सर? ये है सर, ये संबंध की ग्राम पंचायत में जो भी काम होता है सरपंच सचिव अपने मनमाना करते हैं, पंच लोग का कोई नहीं वो चीज़ करते हैं, कोई मान्य नहीं है, पंच लोग पूछते ही नहीं है, मनमाना राशि निकाल के अपने चीज कर रहे हैं। तो ये आपसे मतलब एक पंच से नहीं पूछा जाता कि जितने भी पंच है किसी से नहीं पूछा जाता इस संबंध में? जितने पंच हैं हम लोग उनको नहीं पूछते हैं, जितने जन का साइन किया है उनको हम लोग को किसी को पता नहीं। मतलब जितना भी प्रस्ताव है और चेक है आप बिना आप लोगों के हस्ताक्षर के निकाल लिया जाता है ना जी? बिना हस्ताक्षर के निकाल लिया जाता है। तो आप किस इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, सरपंच को सचिव को? सर इसमें तो दोनों हैं सर, दोनों का चीज़ है। तो आप लोग जो ज्ञापन दिए हैं क्या क्या चाहते हैं आप, कार्रवाई क्या करवाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि जो भी होए काम ग्राम पंचायत में वो हम पंच लोग को भी जानकारी मिले। और एक चावल जो आप लोग दिया गया है चावल के संबंध में भी बताइए क्या है मामला? चावल के बारे में मनमानी काम करते हैं और एक पंच की पता नहीं रहा, अभी सब्जित के लिए तो चावल आते हैं, चावल बेचना नहीं जाए कैसे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.